हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमारा हॉल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी उसमें डबल कोट बचा है क्योंकि डार्क कलर होने की वजह से दो कोट करने के बाद भी वो अच्छे से कवर नहीं हो पाया, तो अभी हम उसमें तीसरी लेयर लगा रहे हैं। तो अभी आज जो है किचन और मंदिर का कम्प्लीट होगा, उसके लिए हमने किचन और मंदिर खाली कर दिया। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा सामान हमने यहाँ सीढ़ी के नीचे एडजस्ट कर दिया है। ये पूरा सामान इसमें आ गया था क्योंकि जगह की दिक्कत नहीं थी, और जो बाकी था हमने यहाँ पे पूरा एडजस्ट कर लिया। पूरा कबाड़ जैसा जो दिख रहा है, ये मंदिर और क्या कहते हैं किचन का सामान है। तो आज वैसे है कि मंदिर और किचन पूरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे वैसे तो वो बहुत कम है पेंट करना, क्योंकि आधा लेयर जो है टाइल्स लगी है, लेकिन देखते हैं फिर भी कि फिनिशिंग पूरी हो पाती या नहीं। तो तब तक मेरे को अभी दिए भी कंप्लीट करने हैं, बाकी एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो तब तक मैं ये पूरा साफ करने के बाद, अच्छे से इसको इधर एडजस्ट करने के बाद दियों पे काम करूँगी, और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और यहाँ पे पॉलू महाराज अपनी फेवरेट सीट में बैठे हैं, एक सोफा तो इसी के लिए बुक रहता है। लंच ब्रेक पे चले गए हैं, मैंने सोचा कि नीचे काम जब तक चल रहा है पेंट वगैरह का, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है किचन में कि मैं बार बार जाके देखूं, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपने दिए कंप्लीट कर लेती हूं, क्योंकि ये ऑर्डर भी कंप्लीट करना है जल्दी से। तो अभी वो लोग लंच ब्रेक पे जा चुके हैं, तो मैं नीचे जाके देखती हूँ कि कितना काम हो गया है और कितना और बचेगा कवर करने के लिए। तो पहले जल्दी से देख के आती हूँ कि कितना होना है और शाम तक कितना हो पाएगा। और आज हमारा जो किचन है वो ये है। यहाँ पे किचन है और वहाँ पे मम्मी ने बर्तन धोने वाला बना रखा है। आज सीढ़ी के नीचे हमारा किचन है। तो मेरे तो फास्ट चल रहे हैं, तो राहुल और उमा और मम्मी है खाने वाले, और इनका किचन आज सीढ़ी के नीचे बना है। तो मेरे को तो खाने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि किचन आज शिफ्ट कर दिया है, तो सब कुछ यहीं पे। मैंने तो फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं। और ये देखो पॉलू के हाल, पॉलू जहाँ सामान बिखरा होता है इसको वहीं पे सोना होता है, ऐसे सो रखा है। पॉलू कैसे जाऊं मैं, हैं? तो अब देखते हैं कि कितना कर दिया है किचन का। टाडान, सीढ़ी भी लगी है। ये अभी तो इतना ही हुआ है, ये वाली दीवार कवर हुई है और ये वाली, वो भी सिर्फ फर्स्ट कोट हुआ है अभी, बाकी बाद में करेंगे। हमने सोचा कि ये वाला कलर अभी कहीं यूज नहीं हुआ, तो इसको यहीं पे यूज कर लेते हैं, किचन में थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे आप पीछे देख रहे हो काफी लाइट कलर था, तो हमने सोचा चलो इस बार कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि ये होता है ना डार्क कलर जो है लाइट्स में काफी अच्छे दिखते हैं। तो अभी बहुत बचा है क्योंकि इसमें नीचे पे भी करना है पूरा, इसमें देखते हैं शाम तक कितना हो पाता है। लग तो नहीं रहा है कि ये पूरा हो पाएगा आज कंप्लीट, लेकिन फिर भी देखते हैं। और मंदिर का तो इस हिसाब से फिर हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग छत पे भी कर रहे हैं पेंट। तो हाँ, मंदिर में सिर्फ अभी ये पुट्टी लगा रखी है, अभी ये सूखने में टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आपने देख ही लिया कि कितना काम हुआ है, तो शाम तक देखती हूँ कि कितना और कवर हो पाता है। आज भी कंप्लीट तो नहीं हो पाया ये, लेकिन इतना कवर हो गया, इन सारे पार्ट में डबल कोट हो चुका है, और जो बाकी का हिस्सा है वो कल कंप्लीट होगा। ऊपर भी जो ये डिज़ाइन बना है इसमें हाफ ही कर रखा है, क्योंकि टाइम हो गया था,
तो चारों ओर तो डबल कोट हो चुका है और बाकी जो कल होगा वो इनके अंदर होगा और इसमें भी जो है डबल कोट हो चुका है सारा। तो आज इतना ही कंप्लीट हुआ है, बाकी देखते हैं कि कल ये पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है, क्योंकि मंदिर अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है। वैसे जहां तक है कल हो जाएगा। फाइनली आज दूसरा दिन है और मंदिर अच्छे से रेडी कर दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सामान एडजस्ट कर दिया, क्योंकि पूजा पाठ करनी होती है तो सारा मंदिर हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट किया हुआ था। तो जब ये कंप्लीट हो गया है तो हमने सबसे पहले यही जो है अच्छे से यहाँ पे पूरा सजा दिया गया है। किचन भी रेडी हो चुका है, बस यहाँ पे सामान हम बाद में सब शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी इतना पॉसिबल नहीं है रखना। धीरे धीरे चूल्हा चौका रखेंगे और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आराम आराम से रखेंगे। तो फाइनली ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं आज। अब से जो है बाहर का ही रहेगा टोटल काम, क्योंकि अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे सभी कमरों में जो है सामान एडजस्ट करना है। शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।